जाके चले जा अमर गफाम, आधे में हंस उड़े आधे में काग, जाके चले जा धरती जफाम, आधे में नीम फले आधे में दा, चक चले चाक दुनिया दो फाक, आधे में चांदी है आधे मेरा, चक चले चाक जीवन दो फाक, आधे में रोधन है आधे मेरा, चक चले चाक चक चले चाक चाक चले चाक। जब 20 मार्च को ये आया कि पूरे देश में एक लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही थी, तो बोध शिक्षा समिति से डायरेक्टर साहब का भी हमारे को एक सूचना मिली कि एक लॉकडाउन में आपको भी स्कूल अपन को भी बंद करनी चाहिए, और ऐसा एक समाचार मिला। ऐसे करके 22 मार्च को हमने सभी स्कूलें बंद करके और सभी टीचर्स घर चले गए, हम भी अपने अपने घर पर आ गए। तो एक भय था सभी में, तो भय इस रूप में था कि नई बीमारी है, कैसे हम इसको इसका सामना कर पाएंगे। जो महामारी है ये तो फैलती जा रही है, और इसका असर है वो समाज पे किस तरह से पड़ रहा है। लोग वह घरों में बंद हो गए, उनके खाने पीने पे, जो गरीब लोग हैं दिहाड़ी पे मजदूरी पे काम करते हैं तो वो कहीं आ जा नहीं सकेंगे, काम नहीं करेंगे, तो उनके साथ में बहुत तरह की समस्या हो रही है। While the world came to a standstill, imparting inclusive and comprehensive education to children across the marginalized sections became a challenge. Bodh Shiksha Samiti responded promptly to curb the inequitable impacts of corona crisis with its unique and community-led model of education. अभी देखे तो एक बहुत अलग तरह का सिनेरियो देखने में आया। सभी लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए फोकस कर रहे थे कि वो घर पे ही रहेंगे, घर पर रहकर ही काम करेंगे। उनका एक अपने तरह का डर था, चाहे वो डर फैमिली का था, उनका खुद का था, उनके सराउंडिंग का था, या ये कहें कि मीडिया का था। मीडिया ने इतना क्रिएट कर दिया था पूरा कि लोगों को लग रहा था घर से बाहर निकले तो पता नहीं क्या होगा। एक दो योगेंद्र सर के साथ सेशन हुई मार्च के माह में, तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि भाई अब कितने दिन हम घर पे बैठ के रह सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बहुत से समिति ने भी लोगों को जागरूक करने व उनकी मदद करने के लिए सोचा, जिसमें सब मैं भी वॉलंटियर के रूप में बहुत से समिति में कुकस में आया। कैंपस में एक कंट्रोल रूम बनाया गया जो हमारा सुबह 6 बजे से लेकर के शाम तक चलता था, जिसमें से जो भी सेव मांगने वाले होते हैं या भोजन के वितरण के बारे में बताते हैं, भाई हमें सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, कितने पैकेट चाहिए, कैसे चाहिए थे, तो उसकी हम लिस्ट बनाते थे। इनमें से हमने चयनित करके लिस्ट बना करके एक विधिवत टीम के अनुसार वितरण करना चालू किया। इट ऑल स्टार्टेड विद फॉर्मुलेटिंग अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इन टैंडम विद द कोविड-19 सेफ्टी मेजर्स, इंश्योरिंग हेल्थ एंड हाइजीन बिफोर इनिशिएटिंग एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद द कम्युनिटी। These guidelines were percolated and translated to the teachers and different stakeholders of Bodh's education model. Everyone was sensitized and made aware about the guidelines through online trainings and community reach. Corona ki guideline taiyar ki gayi, jisko humko follow kaise karna hai bataya gaya, jisse hamare andar jo dar tha corona ke prati woh ek dur hone laga। तो यहाँ पर जैसे ही हम साथ में आए तो और कम्युनिटी में आके ये एक अलग तरह का दृश्य था, मतलब ये अलग दुनिया थी। शहर में हम ऐसे नज़रबंद होके जी रहे थे और यहाँ पर पता नहीं कि कोविड है या नहीं। मेरे को तो पहली बार लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं, लोग हमको देख रहे थे कि ये कौन है। सर्वप्रथम हमने सबसे पहले लोगों को कोविड जागरूकता पर कार्य किया, जिसमें लोगों को समुदाय में जाकर उनसे कोविड के बारे में बताना, इसके बचाव, लोगों को जागरूक करना, लोगों से बातचीत की गई। और ये एक लंबी बीमारी है, वैश्विक बीमारी है, तो ये शॉर्ट टाइम में या कम समय में जाने वाली नहीं है, तो हमें लंबे समय तक इसके साथ जीना है, तो उससे कैसे उसका सामना करेंगे। फिर उन्होंने बताया गया कि इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके हमारे को उपाय करने चाहिए, तो हम मास्क लगा के रखना है, दूरी बना के रखना है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में नहीं जाना है, घर से बाहर आवश्यक कार्य होने पर निकलना है,
तो और जब घर से बाहर आप जाते हो, जब घर में आते हो तो आप हाथ धो के, कपड़े धो के, स्नान करके ही घर में आए। As soon as the community started getting aware about COVID-19 and its preventive measures, the community started taking ownership with respect to spreading awareness and mobilizing resources. तो जब महिलाओं से बातचीत की गई तो कुछ महिला टेलर और कुछ पुरुष टेलर सामने निकल कर आए और उन्होंने स्वैच्छिक रूप से ये निर्णय लिया कि हम इन कपड़ों के मास्क सिलेंगे और बच्चों के लिए और अपने ही गांव में वितरित करने के लिए शिक्षक टीम को जिम्मेदारी देंगे। India's great digital divide with embedded gender and class divides entailed the failure of online teaching model. In India, 320 million students have been affected by COVID-19 school closures. The Bodh Shalas of Bodh Shiksha Samiti, spread in different rural and urban slums of Rajasthan, remain no exception. हमारे बच्चे पहली बोध शाला में पढ़ते थे तो वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी। अभी महामारी की खातर हमारे बच्चे वहाँ जा नहीं सकते हैं। बीमारी के हालात कुछ ऐसे थे कि बच्चे घर बैठ गए, हमारे पढ़ाई हो नहीं पाई, बच्चों की हालात थोड़े ख़राब होने लगे तो स्कूल के सर हमको जानकारी देने के लिए आए इधर। ये भी गवर्नमेंट से आया कि इनको ऑनलाइन, बच्चों के जो हैं वो उनको ऑनलाइन भी पढ़ाए जाएँ, जैसे कंप्यूटर से, लैपटॉप से। तो उस टाइम में हमारा गांव गरीब है, मजदूर वर्ग से बना हुआ है, तो हर बच्चों के 12-13 हज़ार रुपये का मोबाइल आता है, वो जुटा नहीं सकता संसाधन। ऑनलाइन में एक अजीब सी समस्या है कि आप कितने बच्चों के पास जुड़ पा रहे हैं। ग्रामीण एरियाज में पहली बात तो नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा प्रॉपर रूप से, दूसरा समस्या यह आएगी कि बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, एक ही परिवार में 3-4 बच्चे हैं जो अलग अलग क्लासेज में, अब आप एक ही बच्चे को काम डाल रहे हैं तो एक ही मोबाइल पर 4 बच्चों का काम जा रहा है, अब वो काम कितना कर पाएगा बच्चा। ये जो एजुकेशन का सिचुएशन था जो हमारे इस उमरैन और थानागाजी ब्लॉक के बच्चे फेस कर रहे थे, वो दो प्रकार के इश्यूज थे जिसको हम लोग डील कर रहे थे इस समय। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जिसके साथ हमारा पूरा सिस्टम और हम लोग जूझ रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को किस प्रकार से मिल सकती है, और इसके साथ जो हमारा ये कोविड का सिचुएशन एक पैंडेमिक मिक्स हुआ। फॉर बोध शिक्षा समिति इट वॉज इम्पेरेटिव दैट एन एजुकेशन मॉडल दैट इज कम्युनिटी लेड, इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड नॉट डिपेंडेंट टोटली ऑन ऑनलाइन लर्निंग बी इवॉल्व्ड। अब हमारे टीचरों से हमने बात की तो भी बच्चों घर, जो हमारी पहली लड़की, बड़ी लड़की पढ़ चुकी है जो अब कॉलेज जाती है, उन बच्चों की, बड़े बच्चों की मीटिंग हुई, फिर उन्होंने बात की कि भले हमारे बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। मूलतः ये हमारे कम्युनिटी के लोगों ने ही हमसे आकर के इसमें कहा था कि सर हमारे बच्चों की बहुत समय से पढ़ाई नहीं हो रही है और आप काफ़ी सरोकार रखते हैं इस चीज़ को लेकर के, काफ़ी हमसे बात भी करते हैं बच्चों की पढ़ाई लेकर, पूछते हैं, चिंता रखते हैं, तो अब आप ही बताइए इसका क्या रास्ता हो सकता है। इसके बाद में हमने कम्युनिटी ने बैठक की कि भाई पढ़ाई किस तरह से चालू करनी है हमारे को, उस हिसाब से हमने संस्था दोबारा जो प्रोसेस था उनसे पूछा कि भाई किस तरह से हम पढ़ाई करवा सकते हैं बच्चों की, इसका कैसे उपाय कर सकते हैं। समुदाय ने ये कहना शुरू किया कि हमसे तो आपको हो सकता है कोरोना, पर आप जिस तरह से रहते हैं आपसे किसी को कोरोना होने की कोई संभावना नहीं है। तो समुदाय का ये जो विश्वास था कि अगर ये हमारे बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे पूर्णतः सुरक्षित हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा एक एलिमेंट के रूप में इस पूरी प्रक्रिया में उभर कर आया। बोध हैज लर्न्ड इन इट्स डिफरेंट इंटरवेंशंस दैट कम्युनिटी ओनरशिप इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सक्सेसफुल एजुकेशन मॉडल, वेयर इन स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज हैव ऑलवेज प्लेड क्रूशियल रोल्स। Even during COVID crisis, the SMCs played poignant role in enabling access to equal and quality education across the community. तो सबसे पहले चूंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हमारे डायरेक्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाए और उस मीटिंग में इस मुद्दे को लेकर बातचीत की कि कैसे हम इस स्थिति में बच्चों को उनके पढ़ाने लिखाने की जो पढ़ाने लिखने की जो मामले हैं उसमें कैसे मदद करेंगे और क्या तरीका हो सकता है। तो SMC के साथी भी हमारे साथ हैं
और उन्होंने भी कहा है कि पूरी जिम्मेदारी है, कुछ भी करना पड़े हम आपके साथ हैं, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाओ, उन्होंने भी आमंत्रित किया है। उन्होंने PEO के पास भी गया है लिख करके और उन्होंने अवगत करवाया कि हमारे बच्चों को हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप हमें कोई राय वगैरह विचार दे सकते हैं, अगर कोई हम कर रहे हैं वो बेहतर नहीं है तो आप अपना सुझाव दे दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। बोर्ड के काम में हमेशा बच्चे और उनके अभिभावक, उनका समुदाय, यही प्राइमरी स्टेक होल्डर की तरह हमेशा रहते हैं, तो जो भी काम किया जाता है उसमें हमेशा ये ध्यान रहता है कि कैसे बच्चों के लिए सबसे श्रेष्ठ काम किया जा सके। तो इस व्यवस्था में ये स्वाभाविक था कि ये सोचा गया कि किसी न किसी तरह बच्चों तक पहुंचना है। ये जो संवाद शुरू हुआ और समुदाय की एक आवश्यकता और एक पहल, मैं कहूँगा, इन संवादों के ज़रिए से उभर कर आने लगी, तब धीरे धीरे एक निर्णय, मैं कहूँगा, वहीं पर इन संवादों में उभर कर आने लगा कि हम बच्चों के साथ में किसी भी तरीके से सीधे कार्य की शुरुआत करें। कम्युनिटी और पेरेंट्स के साथ में बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करने की पूरी रूपरेखा तैयार की गई और स्कूल लेवल पर पूरे स्टाफ के साथ में कि किस तरीके से बच्चों के डोर टू डोर शिक्षा है वो निरंतर और नियमित रूप से कैसे उसको जारी रख सकते हैं, पूरा मूवमेंट प्लान बनाया गया। लोगों की तरफ से आया कि गुरुजी अब एक एक दो दो बच्चों को तो हम कैसे करवाओगे, आप ऐसा करते हैं कि हमारे घर घर में एक परिवार के दो भाइयों के पांच बच्चे हैं, सात बच्चे हैं, हम वहाँ एक शिक्षा घर स्थापित कर देंगे, उसकी ठीक से साफ़ सफाई रखने की हमारी जिम्मेदारी होगी, साबुन रखवा देंगे, पानी रखवा देंगे और बच्चों के हाथ धुलवा देंगे, मास्क लगवा देंगे, उनके मास्क वास्क लगा के और हम बैठा देंगे पूरी तरीके से तैयार करके, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर समूह चलाना शुरू किया, शिक्षा घर बनाए, छोटे छोटे समूह जिनको हम कह रहे हैं कि हमारे प्रत्येक घर को ही शिक्षा का विद्यालय बना दिया, शिक्षा घर बना दिया हमने। अपने सेंटर हैं जैसे ये गुरुजी पढ़ाते हैं, उसमें सरकारी स्कूल के बच्चे भी आते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चे भी आते हैं और वो गुरुजी से इनके मार्गदर्शन में अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। उन बाकी जो इस स्कूल में बच्चे आते हैं हमारी बहुत शाला में, उन बच्चों के साथ मिल के पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी। The fundamental element of these learning centers were its teaching volunteers who worked as a link between the teachers at Bodh and the students in the community. The advantage of having these volunteers in the center of the model was that these volunteers were alumni of the same schools and were well aware of the pedagogy and teaching methods of Bodh Shalas. काफ़ी संख्या में शिक्षाघर थे और एक शिक्षक टीम वहाँ तक इन बच्चों तक नियमित रूप से कैसे पहुँच पाए एक बड़ा सवाल था, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन था कि इन शिक्षाघरों में जो बड़े बच्चे थे पढ़े लिखे 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट बच्चे थे वो घरों में ही थे, अतः उनका सहयोग लेना हमने उचित समझा। पूरे एलुमनाई जो हमारे जो पास आउट बच्चे हैं पूरे कार्यक्रम के हर स्कूल के स्तर से, उनको हमने साथ लिया पूरी तरह से और उनको लेकर के हमने उनकी मदद ली, तो उन्होंने पूरी तरह से वॉलंटियर रूप में काम करने की ठानी कि हम हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको हम इस कोविड से भी बचाएंगे, साथ साथ में उनकी पढ़ाई लिखाई में भी हम मदद कर पाएंगे पूरी तरह से। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी चुनौतियाँ आई, हमारे जितने शिक्षक साथी थे और अगर हम बहुत छोटे समूहों को शिक्षा घर के माध्यम से जोड़ना चाहते थे तो उसमें हमको ये समझ में आने लगा कि जो शिक्षा घरों की संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और सभी बच्चों तक हर दिन पहुंच पाना लगभग असंभव कार्य होगा। एलुमनाई एंड वॉलंटियर प्लस टीचर एंड चिल्ड्रन, इन सब को मिलाकर एक ये जो एक मॉडल है शिक्षा घर का, इसकी शुरुआत हुई। इन ड्यू टाइम More than 800 such Shiksha Ghars or learning centers were set up where more than 4,000 children are being catered to with quality education for past 120 days now. जब ये सिचुएशन देखी तो मुझे लगा कि क्यों ना हम ऐसा काम करें, क्यों ना हमारे भाई बंधुओं को जो अभी छूट गए हैं, मेरे छोटे भाई बहन जो अभी इस पैनेडेमिक सिचुएशन में इधर उधर घूम रहे हैं, क्यों ना मैं उनकी सहायता करूं। तो इसलिए सर ने हमको प्रेरणा दी, हमारे पास मीटिंग में बुलाया हम लोगों को और हमको प्रेरणा दी गई कि आप ऐसे काम कर सकते हो, तो हमें अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा ठीक है मैं कर लूँगा। सर मेरे घर पर आए, मेरे से बातचीत की कि आप बच्चों को घर में 10-5 बच्चों को जो अपने भी आस पास के बच्चे हैं उनको
थोड़ी देर पढ़ा सकते हो क्या, हम आपकी मदद पूरी करेंगे उसमें। फिर उसके बाद सोचा कि अगर हम शायद इन पे थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो शायद मतलब एक वो रहेगा अनुशासन सा, तो ये पढ़ लेंगे। ऐसे ही पढ़ाना सही है क्योंकि अभी अभी तो पता नहीं कब खुलेगा ये। सुबह घर से हाथ धो के जाते हैं और मास्क लगा के जाते हैं, जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और हमारा कट्टा खुद का साथ लेके जाते हैं बैठने की जगह, और एक दूसरे से संपर्क में नहीं होते हैं, टीचर को दूर रखते हैं हम, वो हमारे पास में संपर्क में नहीं आते हैं। मैं इसमें योगदान दे रहा हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है उसी स्कूल के भैया बहनों को पढ़ाने का मुझे थोड़ा अवसर मिला है, और जो हम पढ़ाते हैं उसमें थोड़ा गुरुजी बता देते हैं कि ये पढ़ाना है और थोड़ा हम खुद की तरफ से जोड़ लेते हैं। The volunteers working at the Shiksha Ghars were trained virtually with the help of online classrooms and technology by the teachers of both. This ensured a trickle-down effect of the curriculum straight to the students of the community. सर चार्ट देके जाते थे, क्वेश्चन पेपर देते थे, उसके अलावा पिछली क्लास की अदर चीज़ करा देते थे, और अब जैसा कि सबको किताब मिल गई है तो सर किताब बुक लेवल पर कराते हैं, और सब्जेक्ट वाइज सर टाइम बांट रखा तो उस टाइम उस सब्जेक्ट का काम देते हैं, सर जिसको जो दिक्कत आती है वो सॉल्व कर लेते, अगर मेरे से सॉल्व नहीं होती वो तो फिर सर को बोलते हैं, सर करवाते हैं, फिर उनको मैं बताता हूँ। सर ने बनाया व्हाट्सएप ग्रुप सारे वॉलंटियर्स का जो जो चला रहे हैं, तो उनके फ़ोन पर आ जाता है कि क्या 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 करना है, और वो हम करवा देते हैं उसमें से देख के। अब इस समय हमारे बच्चों की बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, गुरुजी TLM लाते हैं एवं बच्चों को पढ़ाते हैं और हम भी उनकी मदद करते हैं। इस कोविड के कारण जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, एक महिला होकर के भी, इतनी दूर है घर और यहाँ पर मैं हूँ, फिर भी हम इतनी कठिनाई में मतलब बच्चों के साथ जोश के साथ लगे हुए हैं, डेली जाते हैं 3-4 किलोमीटर, उनको पढ़ाते हैं वहाँ पर, महिलाओं को भी जागरूक करते हैं, वॉलंटियर भी है उनको भी जागरूक करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और इस तरह से हम बच्चों की पढ़ाई में लगे हुए हैं। लेकिन आप 5-7 बच्चों को हम ठीक से देख पा रहे हैं, उनके साथ ठीक से काम कर पा रहे हैं, उसका ठीक से आकलन कर पा रहे हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बना रहे हैं, उसको कार्य दे रहे हैं और आसानी से कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। बच्चों को भी एक ऐसा लगा कि एक नया दौर सा है कि कभी हम स्कूल में जाते थे, आज टीचर साथ ही हमें यहाँ पर पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो सभी बच्चे पूर्ण रुचि के साथ एक नए उत्साह के साथ ऐसे भय में वो वहाँ पर पढ़ने लगे। On the other side, the teachers at both ensured that comprehensive teaching learning materials in the form of worksheets, kits, etc. were designed and circulated, keeping in mind the availability of supplies and resources in the vicinity of the learning centers. दो बातों का हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया कि एक तो जितने भी बच्चे हैं, जिस भी उम्र के हैं और जिस भी कक्षा के और जिस भी स्तर के हैं, वो एक टाइम पर खाली ना बैठें। इसके लिए जो डिज़ाइन मटेरियल का लिया गया उसमें अभिभावकों को, बच्चों को और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको, तीनों को ध्यान में रख कर के उसके इंस्ट्रक्शन को जो है वो डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है उसमें। और डिज़ाइन करते समय 15 डेज का मॉड्यूल हमने रखा है, 15 डेज का यानी कि शिक्षक यदि 2 या 3 बार वहाँ जा पा रहा है तो वो 15 दिन का जो मटेरियल है उसको बच्चे फिर स्वयं अपने स्तर पर कर सके। जिसके अंदर जो रिसोर्स ग्रुप है और जो शिक्षक साथी हैं जो इस विषय में काम कर रहे हैं, उनके फीडबैक को इसमें शामिल करते हुए उनकी मदद से ये सामग्री निर्मित हुई है और इस सामग्री को लेकर के बच्चों के साथ काम किया जा रहा है। इस मॉडल पे काम करना या ऐसे कार्य को लेते हुए, ऐसे चैलेंज को लेते हुए प्लानिंग करना और वो मटेरियल डेवलप कर पाना, ये हमारे एकेडमिक लीडर्स और शिक्षकों ने सिखाया। TLM जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो अगर शिक्षक ठीक से खोज करे तो बच्चों के आसपास ही उपलब्ध रहता है, और शिक्षक की सोचने समझने की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कंकरों में भी TLM निकाल सकता है। तो वहाँ पर हर एक बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए उनके साथ में टीचर्स के द्वारा काम किया गया, तो उसमें एक बच्चे को और गहराई से समझने का जैसा हमारे टीचर साथियों से अनुभव में आया कि उन्होंने एक बच्चे को बहुत ही गहराई से हर एक बच्चे को समझाया और उसके हर एक बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए उस शिक्षण कार्य को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो इसके लिए एक लर्निंग अटेंडमेंट बुकलेट हर सब्जेक्ट डेवलप की है, तो उसमें एक बच्चे की एक बुकलेट है, उसमें कौन बच्चा किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है उसमें हर एक बच्चे की प्रोग्रेस को उसमें दर्ज किया जा रहा है, तो
तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों के साथ में पहले की तरह काम नहीं हो रहा, और भी अच्छी तरीके से हर एक बच्चे के साथ वहाँ पर काम कर पा रहे हैं। और यहाँ तक कि अब कला, संगीत और शारीरिक शिक्षा को भी हमने उसके साथ ले लिया है और धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक है, साथ में आर्ट की एजुकेशन है, ये भी शिक्षा घरों पे हो रही है। टीचर के पास मोबाइल है और एक स्पीकर की डिवाइस है, वो जाकर शिक्षा घरों में 5-7 बच्चे जो भी हैं वहीं पर जाकर उस डिवाइस को यूज़ करके ऑनलाइन मटेरियल यूज़ करेगा, तो वो एक तरह का माहौल वहाँ पर क्रिएट कर पाएगा और सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लेते हुए हम इस पर क्षेत्रवार काम कर पाएंगे। उसके लिए मैंने जैसे कि फ़ोन में तानपुरा डाउनलोड किया हुआ है, उसकी सहायता से बच्चों को करा पा रही हूँ मैं। While Shiksha Ghars formed the base of the COVID education model, the Shikshalay became the anchoring point of communication. The teachers working at both shalas isolated themselves inside the respective school premises so as to continuously brainstorm, be in touch with the community, train the volunteers while ensuring steady supply of TLMs. This was done keeping in mind the safety of their family members and avoiding the daily commute. शिक्षक अभी स्कूल में रह रहा है 24 घंटे वहीं रहता है और साथ में मटेरियल की उपलब्धता भी बढ़ी, मांग भी बढ़ी, तो संस्था की तरफ से वो उपलब्ध करवाया गया। यहाँ पे वर्कशीट वगैरह बनाने के लिए ज़्यादा समय ज़ाया हो रहा था तो फोटोकॉपी मशीन उपलब्ध करवाई गई, तो स्तर के अनुसार अभी बच्चों के जो लेवल के अनुसार जो वर्कशीट हम ठीक से आराम से बना पा रहे हैं और उसकी फोटोकॉपी करके बच्चों तक पहुँचा पा रहे हैं। हमने ये सोचा कि जब हम यहाँ रहेंगे और यहाँ रहते हुए जब हम रोज़ आवागमन नहीं करेंगे तो शायद जो कोरोना है उससे हम काफ़ी बचाव कर सकते हैं, ऐसा सोचकर हमने यहाँ शिक्षालय में, विद्यालय में रहना सुनिश्चित किया। 15 दिन हम स्कूल में रुकते हैं, यहीं खाना बनाते हैं, यहीं सोते हैं, अलग अलग सब शिक्षकों की अलग अलग व्यवस्था है, एक एक रूम में एक एक शिक्षक रहता है और जो खाना बनाते हैं उनमें भी हमने टीम विभाजन कर रखी है, 4-4 लोग हैं जो दूरी बना के और अपना खाना बनाते हैं। और जब हम वापस यहाँ शाला में आते हैं तो हम हमारे हाथ साबुन से धोते हैं, जूते सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद हम हमारे कपड़े पहले ही बाहर रख के चले जाते हैं, फिर नहाते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, फिर सैनिटाइज करके वही हम हमारे कमरे में अंदर जाते हैं। इस पूरे मॉडल से जो उभर कर आता है कि टीचर और समुदाय का ये जो अंतर संबंध है, यही वो मूल कड़ी है जिसके माध्यम से या जिसके आधार पर इस तरह का कोई प्रभावी शिक्षण का मॉडल सभी बच्चों के लिए बनाया जा सकता है। हम घर बैठे ही पढ़ाई करते हैं और हमें किताब भी मिल गई है, सर मैम यहीं पर ले आते हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं और जो पहले था वो धीरे धीरे याद होने लगा है हमको। This entire community-led model with teachers and volunteers at the core of Shiksha Ghars and Shikshalaya has been playing a pivotal role in successfully ensuring access to quality and equitable education across the marginalized sections of the society. Shiksha ka suraj hai nikla, ho raha hai ab ujala, aankhe kholo, humko bhi लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो, जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी ने घेरा है, कितनी भी मजबूरियां शिक्षा मिटा देगी, उन्नति के रास्ते शिक्षा दिखा देगी, उम्र चाहे जो भी हो, मैं कहूँ और तुम कहो, कभी भी कहीं भी